हर समस्या को सुलझा देते हैं। गौरव शर्मा हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियां बजाकर गौरव शर्मा को आमंत्रित करें। यहाँ बैठे हुए सभी मेहमानों को मैं गौरव शर्मा तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे जो मेहमान जोड़े से आए हैं उन्हें जोड़े से प्रणाम करता हूँ। जो किसी कारण अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर आए उनसे मेरा निवेदन है, घर जाकर मेरी तरफ से चरण स्पर्श कर ले। इधर उधर कुछ खाली कुर्सियां नजर आ रही है, इन्हें भी प्रणाम करता हूँ। क्योंकि हमारे देश में कुर्सियों के लिए इतनी मारामारी है कि यहाँ खाली कुर्सियां देखना बड़ा अच्छा लग रहा है। बढ़िया बात। हमारे कुछ मेहमान ऐसे भी होंगे जो दूसरों की गाड़ियों में बैठ बैठ कर आए हैं, तो उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। क्योंकि अब उनकी टेंशन ही है कि जब तक सामने वाला नहीं जाए वो भी नहीं जा सकते। और वो 10:30 बजे से पहले कोई जाएगा नहीं है। आदरणीय बोरा जी सामने बैठे, उन्हें विशेष प्रणाम करता हूँ, जिनके कारण आज हम सब आपके सामने रूबरू हुए हैं। चारों कवि, हमारे कवि बिरादरी में एक कहावत है कि जिसका आधा दिमाग खराब होता है वो कवि बनता है, और जिसका पूरा दिमाग खराब होता है वो कवियों को बुलाकर कवि सम्मेलन करवाता है। तो इन्होंने तो चार चार बुला लिए। छोटी छोटी बातें, राजस्थान के लोग हैं ना बोरा साहब, सब मारवाड़ी हैं। अरे तब तो मजा आ जाए। मैं खुद राजस्थान का हूँ, मारवाड़ी। आज 3 कवि तो मारवाड़ी हैं। मारवाड़ी मेंटेलिटी बिल्कुल अलग होती है साहब। हम लोग सबसे समझदार, सबसे इंटेलिजेंट। असली मारवाड़ी वो होता है जो मिस कॉल मारने के बाद भी बैलेंस चेक करता है। तो बोरा जी तो हमेशा मिस कॉल ही देते हैं। मारवाड़ी मेंटेलिटी, मजा लीजिएगा। मारवाड़ी आदमी किसी भी तरह का रिस्क नहीं उठाता, बचाव रखता है। यानी दुकान छोड़कर जाएगा तो नौकर से कहेगा दुकान का ध्यान रखना, और सामने वाली दुकान से कहेगा नौकर का ध्यान रखना। क्या ऑब्जर्वेशन है। वापस आकर नौकर से दुकान की रिपोर्ट लेगा और सामने वाली दुकान से नौकर की रिपोर्ट लेगा। अपनी तो भाषा में हंसी है कि नहीं। वो दो मारवाड़ी महिलाएं आपस में बात कर रही थी। पहली बोली, मारा पति देवता है। दूसरी बोली, तू नसीबदार, हमारा तो जीवता है। भाषा में हंसी है। वो एक मारवाड़ी सज्जन अपनी पत्नी को लेकर पहली बार अपने ससुराल गए। सास ने अपनी लड़की को देखा और कहा, हमारी 1,00,000 रुपया की बेटी की क्या हालत कर दी। जवाई बोला, 50,000 में वापस चाहिए। और मारवाड़ी होने के नाते मैंने मारवाड़ी आदमी की सबसे अच्छी डेफिनेशन बनाई है। ध्यान से सुनना, अच्छा लगे तो यहाँ से वहां तक तालियों के साथ मुझे बताना सच्चा मारवाड़ी कौन होता है। दो मारवाड़ी मिलकर किसी तीसरे के बारे में 3 घंटे तक बात करेंगे। दो मारवाड़ी मिलकर किसी तीसरे के बारे में 3 घंटे तक बात करेंगे, फिर कहेंगे, जाबादा यार आपनों के ले रहे जाबादा यार आपनों के ले रहे। ऑब्जर्वेशन है, मजा लीजिएगा। सच्चा मारवाड़ी वो होता है जो 50,00,000 की मर्सिडीज खरीद के उसमें CNG फिट कराए। क्या बात है। अभी एक रिपोर्ट आई कि एक झूठ जिंदगी के 5 मिनट कम कर देता है और एक मुस्कुराहट जिंदगी के 10 मिनट बढ़ा देती है। क्या बात, वाह वाह वाह। एक झूठ जिंदगी के 5 मिनट कम कर देता है और एक मुस्कुराहट जिंदगी के 10 मिनट बढ़ा देती है। अब मारवाड़ी आदमी का कैलकुलेशन देखो, हंसता हंसता झूठ बोलो तो भी 5 रुपया को फायदा हो। वाह वाह वाह, क्या कैलकुलेशन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैलकुलेटिव होते हैं। आप मारवाड़ी भाषा समझते हैं। अपनी देखे कोई जवाब ही नहीं, भाषा में हंसी है। वो एक आदमी बिना कॉलर की टी शर्ट पहनकर खुद की लुगाई से बोलियो, कैयान को लाग रही हूं। सवाल देखो, एक आदमी बिना कॉलर की टी शर्ट पहनकर खुद की लुगाई से बोलियो, कैयान को लाग रही हूं। अब लुगाई को जवाब सुनकर भी आदमी को तो फ्यूज ही उड़ गयो। लुगाई बोली, अयान का लाग रहा हो जो यहाँ फाटेड़ा मोजामा से अंगूठो बांधने निकल गयो। वाह भाई वाह, वाह 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 वाह, क्या उपमा दी है। बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया। बताइए कोई जवाब है भाषा में।
शोले अगर मारवाड़ी में बनती तो और बड़ा रिकॉर्ड बनाती, क्योंकि डायलॉग ही ऐसे होते, कितना आदमी आ रहा कालिया, डेरो कोनी सरदार मैं तो लुगाया का नहीं देख रहे हो। मारवाड़ी आदमी की एक खासियत, बीमारी के ठीक होने का क्रेडिट कभी डॉक्टर को नहीं देंगे, नेवर। रुपया 50,000 लागया तब जा ठीक हो। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। मारवाड़ी आदमी की दूसरी खासियत, गुटका 24 घंटे मुंह में रहता है। इनको लगता है मूलचंद माणिकचंद अपने रिश्तेदार हैं, इनको आगे बढ़ाओ। और मिराज तो बुआ का लड़का है, इसे चबा चबा के एस्टेब्लिश करो। मारवाड़ियों का बस चले ना तो गुटका खा खा कर ताजमहल को एक ही दिन में लाल किला बना दे। एक बार मैं यहाँ 7-8 दिन के लिए था, मुझे एक जगह जाना था। मैं एक बस स्टॉप की लाइन में खड़ा था, मेरे पीछे लंबी लाइन। तभी वहां एक भिखारी आया। अब उसने ऐसा सिंपेथिक एटमोस्फियर क्रिएट किया कि सभी लोग इमोशनल हो गए। किसी ने 2 रुपए दिए, किसी ने 4 रुपए दिए, 5 मिनट में उसके पास 40 रुपए इकट्ठे हो गए। हम लोग बस के इंतजार में खड़े ही रह गए, अगला टैक्सी करके निकल गया। तो मारवाड़ी और मारवाड़ी आदमी को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, मानते आप ये बात है ना? मैं सिद्ध करके बताता हूँ। एक कार के शोरूम में मैनेजर अपनी 50 लाख की मर्सिडीज की खूबियां बता रहा था। बोला देखिए इस कांच में ये 5 एयरबैग्स हैं, ये सेफ्टी सेंडर्स और ये सेफ्टी पार्किंग असिस्टेंस है, एक्सीडेंट में ये गाड़ी 90% सेफ है, कीमत है 50 लाख। अब मारवाड़ी कस्टमर बोला देख भाया, हमारे यहाँ कार के डैशबोर्ड पर साईं बाबा और गणपति बापा बैठते हैं, फ्रंट ग्लास पर हनुमान जी और बैक ग्लास पर तिरुपति बालाजी चिपकते हैं, बम्पर पर नींबू मिर्ची टंगी होती है, वाह, और स्टेयरिंग पर माता की लाल चुनरी बंदी होती है। बहुत अच्छे। इसलिए सेफ्टी एफ्टी की चिंता मत कर, तू तो बस भाव कम कर। मतलब अपनी भाषा में जादू है साहब। वो एक आदमी बोला मेरे दादाजी प्रभु का स्मरण करते करते गए। दूसरा बोला बड़ी अच्छी मौत पाई, समझो मोक्ष मिला। पहला बोला क्या खाक मोक्ष मिला, पांडाल में भागवत सुन रहे थे, स्पीकर सर पे गिरा। भाषा में भाषा में ऐसी है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती है। मैं मारवाड़ी मेंटेलिटी देखे, मैं तो PhD हूँ अपने राजस्थान का ही हूँ ना, इसलिए। वो एक डेंटिस्ट के पास एक आदमी आया, बोला एक दांत निकलवाना है, कितना रुपया लगेगा? डेंटिस्ट बोला 300 रुपए। वो बोला 300 रुपए इतने ज्यादा? डेंटिस्ट ने कहा देखो सबसे पहले तुम्हें सुन्न करने का इंजेक्शन दिया जाएगा, फिर तुम्हें बाहर 15 मिनट वेट करना पड़ेगा। अच्छा। उसके बाद बिना किसी तकलीफ के दांत निकाल दिया जाएगा। वाह। जो पैसे हैं वो इंजेक्शन के हैं, उससे दर्द नहीं होगा। वो आदमी बोला अगर बिना किसी इंजेक्शन के तुरंत दांत निकलवाना हो तो? डेंटिस्ट बोला तब केवल 10 रुपए, लेकिन सोच लो दर्द बहुत होगा। वो बोला दर्द की चिंता मत करो, तुरंत दांत निकालो। डेंटिस्ट ने खींच कर दांत निकाल दिया, उस आदमी ने चू तक नहीं की, चुपचाप 10 रुपए दे के चला गया। मारवाड़ी था। शाम को वही डेंटिस्ट अपने दूसरे डेंटिस्ट दोस्त के साथ क्लब में बैठा था। बोला आज मेरे पास एक शेर दिल मरीज आया, न चीखा न चिल्लाया, केवल 10 रुपए में दांत निकलवा गया। यह सुनकर दूसरे डेंटिस्ट ने अपना सर पकड़ लिया। पहला बोला क्या हुआ, दूसरा बोला वो इंजेक्शन मुझसे लगवा कर गया था। मैंने उससे कहा था बाहर 15 मिनट वेट कर। हाँ। और वो बेटा तेरे पास आ गया। तो खर्चा बचाने के मामले में अपन ब्लैक बेल्ट चैंपियन है। बैठ जाओ बेटे। कौन है इस बच्चे के प्रोडक्शन मैनेजर? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन आज ये भविष्य मेरा वर्तमान खराब कर रहा है। और आजकल हमारे देश में और खासकर मारवाड़ी समाज में बच्चे पैदा नहीं हो रहे, डायरेक्ट बाप पैदा हो रहे हैं।
वो एक दादा ने अपने पोते से कहा, जा कहीं जाकर छुप जा, तेरी स्कूल टीचर यहीं आ रही है। पोता बोला, पहले आप छुप जाओ क्योंकि आप मर गए हो, यह कहकर मैंने 4 दिन से छुट्टी ले रखी है। वो एक पोते ने अपने दादा से कहा, दादाजी ये फैमिली प्लानिंग क्या होती है? अच्छा। दादाजी बोले, चल भाग यहाँ से, मैं नहीं जानता। पोता बोला, मुझे पता था आप नहीं जानते। आप जानते होते तो आज जायदाद के 8 हिस्से नहीं होते। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। हमारा मारवाड़ी समाज बड़ा समृद्ध समाज है भाई, नाम से हंसी पैदा होती है। देखिए, अब एक आदमी मेरे पास आया, आकर बोला, मेरा नाम है धनिया लक्ष्मण। मैंने कहा, ये क्या नाम रखा, धनिया लक्ष्मण? वो बोला, क्यों, जब हल्दीराम हो सकता है। ना, 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 ना। बोला, मैं उन्हीं का छोटा भाई हूँ। अब एक आदमी के घर लड़का हुआ, उसने उसका नाम रख दिया अमेरिका, अमेरिका। मैंने कहा, ये क्या नाम रखा? बोला, बस भैया इसी बहाने अमेरिका के बाप बने बैठे हैं। और देखिए, आप लोगों के हंसते मुस्कुराते चेहरे देखकर एक और अच्छी बात याद आ रही है। ओशो ने कहा है, हास्य तो प्रार्थना है। जब तक आप हंसते, समझ लीजिए ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल काम है, टेंशन लेने में 1 मिनट लगता है। और हम लोगों में जबरदस्ती टेंशन लेने की टेंडेंसी है, राइट? जबरदस्ती परेशान होने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है। अब एक आदमी मुंह लटका कर बैठा था, मैंने पूछा, क्या हुआ? बोला, एक दिन तो हर कोई मरेगा। अच्छा। मैंने कहा, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? बोला, मैं सोच रहा हूँ जो सबसे लास्ट में मरेगा उसे लेकर कौन जाएगा। क्या टेंशन है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह वाह, मतलब लोग किसी भी बहाने से टेंशन ले सकता है, बहाने की जरूरत ही नहीं है। कई लोग ये सोच सोच के टेंशन में रहते हैं कि जिसने दुनिया की पहली घड़ी बनाई होगी उसने टाइम कैसे मिलाया होगा। और मारवाड़ी लोग तो ये सोच सोच के टेंशन में रहते हैं कि जिसने पहली बार दही जमाया होगा वो जावड़ कहां से लाया होगा। ये बात बहुत सही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह।